क्या बात है, वो आ गया। चटनी नहीं है यार। आ गया तो क्या? चीकू, 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 चीकू। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। तब चीकू बेच रही हैं? क्या भाव चल रहा है चीकू का? Well, कहाँ है तुम्हारी चीकू की टोकरी इज्दा, मुझ पे मरती है गली की छोकरी इज्दा। हो गया दद्दू? मैं चीकू नहीं बेच रही हूँ, हाँ मैं अपने हस्बैंड को बुला रही हूँ दद्दू। मेरे हस्बैंड का नाम है चीकू। उड़ जाऊंगी फर 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 फर। आपके हस्बैंड का नाम चीकू है? तो आपका क्या नाम है, संतरा या मौसम्बी? बोल, मन ने माफ कर दो दीदी, आई एम सॉरी। दीदी मन ने माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। अबे समोसे की रानी, चटनी की दीवानी, रख समोसा, जा पीटी कर वहां, चल। हाथ कर, चल चल चल। ऐसा है जितना हल्ला काट मचा रखा है ना तेने, बिल्कुल चैकू चैकू करके लोग सोचेंगे हम कर रहे हैं अत्याचार प्रजा पे, चौकी में बुला के। सॉरी मैडम, लेकिन मैडम मैं अपने हस्बैंड को बुला रही थी, उनका नाम है ना चीकू। मैडम क्या है ना, मेरे हस्बैंड की ना झिकझिक करने की बड़ी आदत है रुपए पैसे को लेके। अभी ऑटो वाले से एक रुपया कम करा रहे होंगे, चाहे सब्जी वाला हो चाहे भंगार वाला, कबाड़ी से भी एक रुपया कम कराते हैं वो। चीकू उड़ जाऊंगी फर 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 फर। चीकू। हाँ मैं आ गया, मैं आ गया। हेलो हेलो एवरीबॉडी, मैडम मैं हूँ चीकू। हाँ खाना गर्म खाऊंगा। मोहल्ले को पता है थारे को कि तू चीकू है और थारी बीवी चीकू। नमस्ते मैडम, मैडम मैं हूँ कोयल। कुकड़ू को। हे सॉरी सॉरी, कोयल को, कोयल चतुर्वेदी। उड़ जाऊंगी फर 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 फर। अच्छा, नाम का और नेचर का आपस में कोई रिलेशन, कोई लेना देना, संबंध वंबंध कुछ ना है, है जी? नाम कोयल है और वैसे आवाज ऐसी निकल रही जैसे फटे ढोल पे नगाड़े पे जो है बिल्कुल फाड़ के दो बिलोटे घुस गए अंदर। हो गई हंसी, अब प्रॉब्लम बता दो। हाँ तो मैडम प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना खाना गरम खाने की आदत है, खाना गरम खाऊंगा। अब बात यह हो गई मैडम कि मैं घर आया और मैंने कोयल से कहा कि देखो कोयल मैं घर आ गया हूँ, खाना गरम करो, और उसने मना कर दिया। अरे मेरी इतनी हिम्मत, रिस्पेक्ट करती हूँ इनकी। इनके कहते ही मैंने खाना गैस पे रख दिया उबलने के लिए। बचपन से इनकी अम्मा ने खौलता खाना खिलाया है इन्हें प्यार से। तो मैंने जैसे ही गैस पे रखा खाना खोलने के लिए, उसमें से भाप निकली, तभी मैडम दो फायर ब्रिगेड वाले मेरे घर में आए, घुस गए समझ लो, और चारों ओर पानी की बरसात कर दी, खासकर मुझ पर, खाना गरम खाऊंगा। जबकि मैडम बात यह है कि मेरे घर में आग लगी ही नहीं थी, खाना गरम खाऊंगा। मैडम चारों ओर, मेरे घर में चारों ओर पानी फैल गया, अब तक सूखा नहीं, आप देख सकते हो वहां पे आके। उन दोनों के खिलाफ आप FIR लिखो, खाना गरम खाऊंगा। अभी मारी है मैंने एंट्री यहाँ चौकी में, अभी FIR लिख लीजिए और तख्ती खोल लीजिए, पोथी खोल लीजिए, बिल्कुल स्याही मल दीजिए फाइलों पे, यो ही करती रहूं मैं। हैं शाम को लगेगा हमारा चक्कर, वहां राउंड मारने जाना उसी एरिया में, शाम को आइयो, निपटेंगे तुम्हारे फायर ब्रिगेड वालों से। ओके मैडम, लेकिन खाना गरम खाऊंगा। चलो अभी निकलो, चलो आओ खा ले चुपचाप। Sorry, sorry. Carry on. No problem. बहुत शौक से खा रहा है ना, खा खा खा। हेलो, हाँ हाँ लग गई आग।
हाँ तो बस पहुंच गए ना फाटक के पास हम। अरे बस पहुंच गए। अरे तो थोड़ा बहुत खुद बुझा लो, तुम्हारे ही तो घर है। आ गए। बर्तन भूल गए। ओहो महाराज, कितने कितने का पॉइंट खेल रहे हो? ऐसे ही सब लगे पड़े हैं। है, बता दो यार कितने कितने का है। कैरी ऑन। अरे मैडम आप यहाँ कहीं आग वाग तो नहीं लग गई? चिड़िया फंस गई कूलर में? भैया ऐसा कूलर का टुल्लू पंप तो मैं दूंगी उखाड़, और आग लगेगी तुम दोनों के तन बदन में, समझे? जब डंडे बरसेंगे। क्यों मैडम, हमने ऐसा क्या किया कि आप हमारी सुताई करेंगी? छम्मो तैयार है। क्या बात कर रहे हो यार, छम्मो किस चीज के लिए तैयार है? तुम्हारे साथ भागने के लिए? मेरा मतलब है कि क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? अरे हेलमेट लगा रखा है क्योंकि हम फायर ब्रिगेड वाले हैं। चिड़िया फंस गई कूलर में। Well, what is the name is the? पेट्रोल के बढ़ गए हैं दाम is the? देखिए दादाजी, मैं हूँ गप्पू, ये पप्पू, चिड़िया फंस गई कूलर में। हाँ मैं हूँ पप्पू, ये गप्पू, छम्मो तैयार है। भाई छम्मो तो तुम्हारी तैयार है, एक लौंडा और तैयार है यहाँ, आ जाओ। इसे देखो, हैं? ये देखो, ये एकदम सस्पेंडर पहन के जो है बाल बाल काट के तैयार खड़ा है, इसे पहचाने हो तुम? यार पप्पू। हाँ गप्पू। ऐसी भयानक शक्ल मैंने कभी देखी है पहले? चिड़िया फंस गई कूलर में। हाँ, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है। छम्मो तैयार है। याद आया। अब याद आ गया तो बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो, चलो। हम इनके घर गए थे आग बुझाने, छम्मो तैयार है। Yes! अरे फायर ब्रिगेड, लेकिन जब मेरे घर में आग लगी ही नहीं थी तो तुम बुझाने क्या आए थे? देखिए मैडम, हम ठहरे फायर ब्रिगेड वाले, तो जहाँ पे भी धुआं उठते देखेंगे वहाँ पानी डालना हमारा काम है। चिड़िया फंस गई कूलर में। हाँ मैडम, एकदम सही बात है। अब हमें क्या पता कि इन्हें इतना गर्म खाना खाने की आदत है कि खाने को इतना खौलाते हैं कि चिमनी में से भपक के धुआं बाहर आता है। हम लोग कन्फ्यूज हो गए, हमें लगा कि आग लग गई है, हमने आग बुझा दी जाके, तो इसमें गलत क्या किया? छम्मो तैयार है। देखो यार कन्फ्यूज तुम हो गए हो, रपट इसने लिखा दी, तो भाई गलती तुम्हारी है कि इसकी है कि तुम्हारी छम्मो की है, वो बात दीगर है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात यह है कि प्रेम से रहो, हैं, इसको जरा आराम से सुलटा लेते हैं। तू चाकू, ऐसा है आगे से जो है खाना गर्म करके खाना हो तो माइक्रोवेव अवन में करो, गैस ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत ना है, लोग कंफ्यूज ना होंगे। Yes! और रही बात तुम्हारी, ध्यान से देखो, जहाँ जरूरत हो वहाँ पानी गेरो, जहाँ आग लगी हो इतना पानी वेस्ट मत करो, समझे? हाँ भैया, चलो सही है, सब की समझ में आ गया है तो। और जरा ये फोन लगवा ले हार्डी की शक्ल के। चलो भाई, लोरल एंड हार्डी हो रहे हैं। सुनो फायर ब्रिगेड, माइक्रोवेव से धुआं नहीं उठता। खाना कैसा खाओगे? गरम, मुंह जल जाएगा। शट अप। आइए आइए आइए, जाइए। मैडम 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 मैडम, एक मिनट, क्या मैडम मैडम लगा रखा है यार? तुम लोगों को याद नहीं मैडम कहकर गई थी वो एक जरूरी काम से बाहर जा रही हैं? या चौकी के इंचार्ज हैं सर, इज द आई लाइक शाहरुख खान इन डर इज द। हाँ चौटी मास्टर, क्या हो गया बताइए। अरे सर ये वही केस है सर, वो फायर ब्रिगेड वाला बताया था सर मैंने आपको। हाँ हाँ वही सर, वही। तो क्या हुआ सर? अभी वही हुआ सर जो पहले हुआ था।
सर मैं आपको बता ही दे रही हूँ, मैंने चीकू से शादी इसलिए नहीं की कि चीकू के घर का पानी में दिन रात सुखाती रहूँ, उड़ जाऊंगी फर 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 फर। सर इनका कहने का मतलब ये है कि फिर से वो दोनों फायर ब्रिगेड वाले मेरे घर पे आए थे और सारा घर भिगो के चले गए। खाना गरम खाऊंगा, क्यों जुनेजा? हाँ हाँ सर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मौसम ठंडा है जयपुर में। Well, who the, you the, are is the? पहले आए थे दो, अब आए हैं चार इस द। देखिए दादाजी, मैं हूँ जुनेजा, जीतू जुनेजा, चीकू चतुर्वेदी का दोस्त कम पड़ोसी, मौसम ठंडा है जयपुर में। और मैं हूँ दिलरुबा। ये आपका नाम है? नहीं जी, दिलरुबा तो ये मुझे प्यार से बोलते हैं। पैशन तो दिल्ली में है। तो माँ बाप ने जो नाम रखा है जरा वो भी थोड़ा बता दीजिए। बताई देती हूँ, प्रीत तो जुनेजा, फैशन तो दिल्ली में है। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू, लास्ट टाइम पूछ रहे, बता दीजिए हुआ क्या है। हुआ ये कि हमारे घर में जो है चाय पत्ती खत्म हो गई थी, तो हम इनके चाय पीने चले गए। अभी जो भाई साहब है, ये जो भाई साहब है ये पूजा कर रहे थे, इन्होंने जैसे अगरबत्ती सुलगाई कि फायर ब्रिगेड वाले आ गए। फैशन तो दिल्ली में है। और उन लोगों ने पूरा घर भिगो दिया पानी से और साथ में हम भी भीग गए, मौसम ठंडा है जयपुर में। सर इसीलिए इन दोनों को मैं साथ लेकर आया हूँ सबूत के तौर पे, क्योंकि मेरे घर में तो आग लगी नहीं थी, फिर भी वो दोनों आए और सारा घर भिगो कर चले गए। बयान हमने ले लिया, आप लोग चलिए, हम लोग को जो करना हम लोग कर लेंगे। ओके निकलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चीकू तुम चल के घर का पानी सुखाओ, मैं उड़ आऊंगी फर 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 फर। अरे मौसम ठंडा है जयपुर में। चलो रुको जी, फैशन तो दिल्ली में है। चल भी तो मौसम ठंडा है जयपुर में। अरे चल आराम से। तो गोपी ग्लोरी काम करिए, आप लोग उसी इलाके में जाइए और उस इलाके में जाके किसी के घर में जाकर रिक्वेस्ट करिए कि हमें आपके घर में आग लगानी है। आग गलत आइडिया है, नहीं धुआं निकालना है, धुआं। अच्छा। और फिर देखिए कि ये दो फायर ब्रिगेड वाले वहां पहुंचते हैं कि सिर्फ इन्हीं के घर में घुसे रहते हैं ये दोनों। गुड आइडिया सर, गुड आइडिया, राइट सर, राइट। आग लग गई। अरे आग लग गई, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, देखो आग लग गई, अरे आग लग गई, जल्दी कोई आओ, कोई बचाओ, अरे आग लग गई, अरे आग लग गई। अरे कमाल है गोपी, सही है एकदम। यार गोपी ये धुएं के साथ साथ मटर पुलाव की खुशबू भी आ रही है ना यार, मुंह में आ रहा है पानी इसका, लप्पी बनेगी मेरी रानी इसका। यार गोपी इसको खाली धुआं निकालने के लिए कहा था घर से, ये मटर पुलाव बनाने के लिए किसने कहा था? अब बना ही दिया है तो सोच रहा हूँ कि एक बार जाके मटर पुलाव खा लेंगे। वैसे भी ये गप्पू पप्पू आते हुए दिखाई तो नहीं दे रहे। Well, तुम्हारी सोच में नहीं है कोई खोट इसका, पुलाव खा के सर को करते हैं रिपोर्ट इसका। चल यार खाई, एक मिनट यार, दस एक मिनट और रुक जाते हैं। Okay. अगर वो लोग आ गए तो उस पुलाव पे पानी तो वो लोग फेर ही देंगे, और अगर पुलाव बच गया, अगर वो नहीं आए तो हम लोग खा लेंगे क्या। इसका वासर नहीं बदला क्या? चाय बना ले चाय। पप्पू सब कुछ बना दूंगा मैं, एक बात कहूं लेकिन यार ऐसे केस ना रोज मिलते रहे ना तो मजा आ जाए। चिड़िया फंस गई कूलर में। करते क्या है हम, लोगों के घरों में पानी डालते हैं और पैसे छापते हैं, शम्मो तैयार है। ये क्या हो क्या रहा है? डाल गोपी डाल। लगता है कहीं आग लग गई, छम्मो तैयार है। आग आग, अरे तुम्हारे घर में आग लग गई भाई, आग आग। भागो भागो भागो। है सुना तूने? चल अरे अपने घर में आग लग गई भाई, चल भागना। चलिए फंस गई कूलर में।
अरे लगता है दरवाजा बाहर से लो। खिड़की भी बंद है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे जो भी बोल रहा है, अरे सुनो भाई, अरे इतने बरकत टोला है ना उसकी सब्जी मंडी के पास, हमारे घर में आग लग गई है। अरे मैं गप्पू बोल रहा हूँ, चिड़िया फंस गई कूलर में। अरे गप्पू भैया, गप्पू भैया पहचान ली हम, आपको कैसे नहीं पहचानेंगे। चैन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, दोनों आग बुझाने की गाड़ी विकास नगर गई है चिकू चतुर्वेदी के यहाँ, वहां से धुआं निकल रहा है ना इसीलिए। अरे वाह भैया, कोई धुआं हुआ नहीं निकलता। अरे वहां आग नहीं लगती, वो तो हम जानबूझ के वहां चले जाते गाड़ी लेके बार बार पानी डालने। अरे चिड़िया फंस गई कूलर में, अरे उनको वापस करो गाड़ी वालों को और यहाँ भेजो हमारे घर में। अब आया जहां से मैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई आग लगी ही नहीं है। वेल, खत्म हो गया तुम्हारा खेल इस दा, आ तुम जाओगे जेल इस दा। चला क्यों भैया, मिठाई खाने का शौक है तुम्हें? हाँ। वेरी गुड, कौन सी मिठाई पसंद है तुम्हें? चमचम। चम-चम, गुड चॉइस, गुड चॉइस। और तुम्हें ब्लॉन्डी? बालू शाही। बालू शाही, हम जरा आते हैं, इसे जरा बालू शाही खिलाकर आते हैं। यहीं नहीं भाया। अभी खिलाएंगे खिलाएंगे, उसमें क्या है। नहीं खानी, नहीं खानी। बालू शाही, मुझे चमचम, मुझे शुगर है अब तो, लेकिन देरी हो गई ना। यहाँ ये, यहीं खड़े रहिए। चमचम, अब मैं खुल के बताओ कि इनके घर पे पानी फेंकने के लिए तुमसे कौन कहता था, जल्दी बताओ। चलो नहीं कोई बता रहे, हमारे फायर ब्रिगेड के ऑफिस के बाहर एक डब्बा है पोस्ट बॉक्स का। उसमें कोई पुड़िया डाल जाता था पैसों से भरी हुई। हम लोग वो पैसे देख के हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन डाल गया कौन डाल गया। तब तक फोन आता था एक कि ये पुड़िया मैंने रखी है वहाँ पे, तो हम खुद ही पूछ लेते थे उसमें इतने पैसे होते थे तो कि ठीक है कुछ काम हो तो बता दो। तो वो कहता था कि उसके पड़ोस में खाना बनेगा धुआं निकलेगा, उसके घर जाके पानी से भर देना पूरा। बस और कोई बात नहीं है, छम्मो तैयार है। हाँ साहब, चिड़िया फंस गई कूलर में। चिकू डार्लिंग, तुम अच्छे से याद करो, तुमने किसी के साथ मजाक में ऐसी कोई हरकत तो नहीं की कि कोई तुमसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा हो? हाँ उड़ जाऊंगी फर 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 फर। अरे नहीं नहीं कोयल, मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है, खाना गर्म खाऊंगा। तो आखिर सब करता कौन है हमें बता दो। चले इन्होंने मैडम, आप और आपका काम वो हो गया पूरा। और मैडम ये दोनों, ये तो इनके पड़ोसी है ना? पड़ोसी भी हैं और कल्प्रीट भी। यो ही हैं दोनों जुनेजा, हस्बैंड एंड वाइफ, जिन्होंने जो है इन फायर ब्रिगेड वालों को पैसे दिए थे ताकि चैकू के घर में वो पानी डालें। अबे इन्हें चैकू का घर जो हथियाना था, इनकी बाउंड्री वाल जुड़ी हुई है ना इनके घर से, तो बड़ा मकान, बड़े सपने, बड़े षड्यंत्र बोलोगे फूटोगे अपने मुंह से या एनकाउंटर करवाओगे भाई मारे हाथों से आज? अरे जी जी मैडम, हमें माफ कर दीजिए, मौसम ठंडा है जयपुर में। वो क्या है ना जी, बड़े मकान के चक्कर में हम लोगों ने ये सब किया, फैशन तो दिल्ली में है। सर वैसे आपने उस केस को बखूबी जो है सॉल्व कराया सर, वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू मिस चौटाला, लेकिन आपको ये सब पता कैसे चला, आपको उन पर शक कैसे हुआ? सर सर मैं बीजी जरूर थी पर सर आई एम चौकन्ना, ऐसा है कि मन ने शक तभी हुआ कि भाई कौन है जिसे चैकू के घर छोड़ने से फायदा होगा,
जवाब मिला जुनेजाज है। फिर थोड़ी पूछताछ करी बाजू के जो एक आध प्रॉपर्टी डीलर है, उन्होंने कहा भैया मैडम इन्होंने तो घना इंटरेस्ट दिखाया है घर में। फिर के था एक आध हार लगा है तो खुद बोल दिया इसने सब बक लिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मैडम, आपकी वजह से हम और हमारा घर बच गया है ना चीकू, वरना मैडम हमने तो डिसाइड कर लिया था कि ये घर हम बेच बाज के कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। उड़ जाऊंगी फर 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 फर। मैडम अब तो हम माइक्रोवेव की जगह खाना गैस पे गर्म कर सकते हैं ना। अरे तू बारबेक्यू में कर, तू अंगीठी पे कर, तू कोयलों पे कर ले, तू सोलर एनर्जी में कर गरम, तू सूरज पे चला जा प्लेन लेके, तू कैसे भी कर लेकिन जल्दी गरम कर, क्योंकि आज रात हम सब आएंगे थारे यहाँ खाना खाने। पर क्या आइडिया है मैडम, जरूर। अरे क्यों नहीं मैडम, खाना गरम खिलाऊंगा। मैडम मैं गुस्से में हूं। तू गुस्से में है तो मैं क्या करूं, मैं तेने जोक सुनाऊं चुटकुला या मैं तेने घुमान ले जाऊं बाग पे हाइड पार्क, या मैं जो है तेने फिल्म दिखाने ले जाऊं पॉपकॉर्न खरीद के दूं, तेने अम्यूजमेंट पार्क में जो है झोंटे दिलवाऊं मैं झूलों के राइड्स के। ऐसा है मैडम, इन सब बातों से मेरा गुस्सा ठंडा होने वाला है ना, मैं गुस्से में हूँ। ओह तो आप क्या चाहती हैं ये तो बताइए, कि आप चाहती हैं कि हमारी मैडम जो है वो रावण की करीना की तरह लाल शिफॉन की साड़ी पहन के आपको डांस दिखाएं? मेरा मतलब है लेडी गागा की तरह जरा गाने वाने गाएं तभी आपका गुस्सा ठंडा होगा। Well, baby. Hi. Well, puppy ji. Hi. Well. Hi. Hi. मैं कहा भैन जी आप बताओ जी कौन दिला रहा है आपको गुस्सा इसका, तुसी मैनू दसो फिर वो रोएगा तुसी हसो इसका, कैरी ऑन। मैडम मुझे ना अपने पति यानी कि हस्बैंड यानी कि शौहर यानी कि घरवाला यानी कि मिस्टर यानी कि बबलू के पप्पा पे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्से में हूँ। के करा बबलू के डैडी ने? मैडम वो क्या है, मुझे ना शक है कि मेरे पति यानी कि हस्बैंड यानी कि शौहर यानी कि घरवाला यानी कि मिस्टर यानी कि बबलू के पप्पा का ना किसी लड़की के साथ टिंचू टिंचू टाए टाए हो रखा है, मैं गुस्से में हूँ। लकी मैम, मेरा मतलब ये तो गलत बात है यार, एकदम गलत है। तेने कैसे बेरा? गुप्ता जी ने बताया मैडम। गुप्ता जी ने? नहीं मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगा कि गुप्ता जी ने एग्जैक्टली क्या बताया, जरा डिटेल में बताइए, कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। डिटेल में तो लो देखो, गुप्ता जी ने फोन की घंटी बजाई, घंटी बोली ट्रेन 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 ट्रेन, मैंने फोन उठाया, हेलो, अच्छा अच्छा गुप्ता जी, गुप्ता जी को मैंने फोन पे पहचान लिया उनकी आवाज से। हाँ हाँ जाइए गुप्ता जी, हम ना आपसे बात कर रहे हैं, ये भी कोई बात हुई? बताओ हमने कितनी बार मूंग की पकौड़ी बनाई, हाँ प्याज की भजिया बनाई, पूरे मोहल्ले को पता चल गया खुशबू से, एक आप है हाँ? एक भी बार आए ना घर पे कि चलो भाभी के संग चाय पी लें पकौड़ी खा लें, हम ना बात कर रहे हैं। क्या क्या कह रहे हो आप? अच्छा ये बात है, ठीक है आ जाने तो लेती उनकी खबर। अच्छा अच्छा ओके बाय टेक केयर, अपना ध्यान रखना गुप्ता जी। हाँ 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 अच्छा अच्छा लो मैडम ये बात हुई मेरी गुप्ता जी से। अबे गुप्ते ने वहां से के फूटी है दूसरी लाइन पे, वो बताएगी हमें जो है सपना आएगा, अंतर जामी है हम बिल्कुल ही। सॉरी सॉरी मैडम भूल गई, मैडम क्या है गुप्ता जी ने मुझसे कही भाभी जी आपकी तबीयत खराब है क्या, क्योंकि भाई साहब जो है रोज 1.5 से 2 घंटा देर से पहुंच रहे हैं दफ्तर में। नहीं, तो नहीं भाई साहब मैं तो रोज 9 बजे खाने का डब्बा बना के उनके हाथ में थमा के टाटा बाय बाय कर लेती हूँ। और तो और मैडम मैंने जब उनके दफ्तर में फोन किया तो चपरासी ने फोन उठाया, चपरासी से मैंने कहा कि ऐसा है मेरी बात करवाओ जरा हमारे उनसे, तो मैडम चपरासी बोला मैडम आपके वो तो 6 बजे ही निकल लिए। मैडम बताइए 6 बजे के निकले हुए 1.5 घंटा घर देरी से पहुंच रहे हैं मैडम, और सुबह टाइम से निकल रहे हैं दफ्तर 1.5 घंटा देर से पहुंच रहे हैं, मैडम आप बताइए ये 1.5 से 2 घंटा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मूड अपना मार रहे हैं है मैडम, मेरे दिमाग में अगर शक का कीड़ा ना फूल बुलाए तो क्या हो, मैं गुस्से में हूँ। वेल
तब तो जरूर चल रहा है तुम्हारे हस्बैंड का कोई चक्कर इसदा, वो ले रहा है चाय में डबल शक्कर इसदा। बुलवाओ इसके हस्बैंड ने। ये ओके फॉलो हिम। हेलो हेलो हाय। Well, mom, she is the husband, is the. तू हो रहा है इसबिला का पति? जी मुझे लखनऊ जाना है। ओह क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, वहां भी तुम्हारी कोई आइटम है, मेरा मतलब है तुम्हारी कोई सेटिंग है, मेरा मतलब है वहां भी किसी लड़की के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है क्या? वहां भी साहब का क्या मतलब है भाई साहब? देखिए भाई साहब, मेरा है ना कहीं भी किसी भी लड़की के साथ कोई भी चक्कर नहीं है, मुझे लखनऊ जाना है। वेल मत बनो इतने भोले इसदा, खा रहे हो हुस्न के गोले इसदा। आप ये क्या बोल रहे हैं दादाजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लखनऊ जाना है। हम बोल रहे हैं, हम ना बोल रहे, बोल ली थारी हो गोल मुंह की, भगवान ने कंपस से जिसका बनाया मुंह बिल्कुल, ये बोल रही है ऊनी बीवी थारी, थारा किसी छोरी के संग इसकी लाइची हो रहा है। नहीं। क्या चोटी, तुमने मुझ पर शक किया? मुझ अच्छा अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। देखिए मैडम मुझे लखनऊ जाना है। भाई लखनऊ जब तो जाना है जब तू जाता रही हो, पहले तो केस आ गया चौकी में। थारी बीवी का कहना है कि 9 बजे तू दफ्तर के लिए घर से निकला करे, दफ्तर तारा जो है घर के बाजू में ही है, लेकिन तू पहुंचता है 1.5 घंटा देरी से। फिर यो आलम शाम का है, शाम को 6 बजे जब तू दफ्तर से रवाना हो गए फुर्सत में फ्री होके, तो तू फिर से 1.5 घंटे लेट पहुंचता है घर। और कहां बीत रहे 1.5 घंटे? हाँ भाई 1.5 घंटा इधर 1.5 घंटा उधर, मतलब 3 घंटे। अब 3 घंटे में ये कौन सी फिल्म देख रहे हो और कहाँ? बोलो अब मुंह से कुछ फूटो, मैडम के सामने जबान सिल गई है, अब बोलते नहीं मर रहा? हाँ सोच रहे हो क्या बताऊं? बताओ इन्हें क्या माजरा है, कहाँ टाइम पास करते हो, क्या चक्कर है? हाँ मैं गुस्से में हूँ। अच्छा वो तो एक लड़की का चक्कर है, मुझे लखनऊ जाना है। हे भगवान, मेरी किस्मत में कैसा बेशरम पति लिखा है, देखा मैडम कैसे खुलेआम कह रहे डेयरिंग से लड़की के साथ चक्कर है, लखनऊ जाना है। ये सुनने से पहले मैं चुल्लू भर पानी में डूब क्यों ना मरी। मैं गुस्से में हूँ मैडम, ये केस तो आईने और मेरे दांतों की तरह साफ है मैडम, इसका किसी लड़की के साथ चटक चटकारा चालू है। अरे नहीं नहीं देखिए आप लोग ना कुछ गलत समझ रहे हो, मुझे लखनऊ जाना है। वेल तुमने दिया है इसको धोखा इसदा, बाहर मार रहे हो चौका इसदा। इसको अरेस्ट करो, शादीशुदा होते हुए भी बाहर चक्कर चलाने के जुर्म में। एक मिनट मैडम मेरी बात तो सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए मैडम बात यह है कि थोड़े दिन पहले हमारी पड़ोस में एक खूबसूरत लड़की रेंट पे रहने के लिए आई है, अब दोनों का ऑफिस टाइम सेम है, सुबह 9 बजे वो अपने घर से निकलती है, मैं अपने घर से निकलता हूँ, दोनों लिफ्ट में इकट्ठे होते। अब मैडम बात यह कि वो लड़की है ना बहुत सारा परफ्यूम लगाती है, ऐसा लगता है कि जैसे परफ्यूम में नहा कर आई हो, और मैडम परफ्यूम की जो स्मेल है ना वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं वहीं पे लिफ्ट में बेहोश होकर गिर जाता हूँ, और तकरीबन आधे नहीं सॉरी 1.5 घंटे के बाद वो अपना वर्मा जी की बिल्ली है ना वो आके मेरे मुंह पे चाटती है, और मैं होश में आ जाता हूँ और भागा दौड़ा मैं ऑफिस चला जाता हूँ, मुझे लखनऊ जाना है।
और शाम को सेम प्रॉब्लम मैडम, वाइस वर्सा, माने वो भी 6 बजे छूटती है, मैं भी 6 बजे छूटता हूँ, दोनों कार में निकलते हैं, पार्किंग में आते हैं। अब वो जब कार का दरवाजा खोलती है तब मैडम परफ्यूम का भपका जो आता है और मैं उल्लाला ऐसा करके गिर जाता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ। और 1.5 घंटे के बाद फिर से वर्मा जी की बिल्ली आती है, मेरे गालों को चाटती है और मैं होश में आ जाता हूँ। मुझे लखनऊ जाना है। कौन है यार ये सेंट ऑफ अ वुमन? बुलवाओ जरा इस परफ्यूम वाली ने। हाँ मैडम बुला तो लें, लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? मैं बताता हूँ ना उसकी गाड़ी का नंबर। और हाँ, उसके हाथ में एक परफ्यूम की बोतल होती है जो 15 या 20 सेकंड में एक बार तो वो अपने आप पे छिड़कती है। मुझे लखनऊ जाना है। या वेल चल 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 गोपी, इस लड़की के ऑफिस की पार्किंग यही है ना? हाँ यार गुरुकुले यही है, आई एम श्योर। तो आई क्यों नहीं अब तक? आ जाएगी, है पेशेंट। यही है लगता है। हाँ देख, यही नंबर बताया था। वेल यू आर राइट, इज द मकर संक्रांति में उठती है काइट, इज द आजा चला जा आजा। Excuse me. परफ्यूम ही तो लगाया है। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ? क्या बात कर रहे हो तुम दोनों, सच में? अरे हाँ सर, सर वो लड़की इतना परफ्यूम लगाती है, इतना परफ्यूम लगाती है कि वो आदमी तो क्या सर, हम दोनों भी बेहोश हो गए। हाँ सर, हम पेंट हो गए थे। पेंट? या दिस वन। सर सर आप प्लीज, आप हमारी मदद कीजिए ना सर। क्यों बे, हम क्यों करें? अरे सर 1 घंटे में मैडम चौकी आ जाएगी, और मैडम को अगर पता चल गया कि हम दोनों उस लड़की को लाने में नाकामयाब हो गए हैं तो मैडम हमें छोड़ेगी नहीं। या सर वो करेंगी हमारी सुताई इज्जत, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ है खाई इज्जत। सर प्लीज सर, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, प्लीज कीजिए ना सर। अबे हम तुम दोनों की मदद क्यों करें बे? हमारा अपॉइंटमेंट अभी मसाज के लिए जाना है हमको, आराम से जाके मसाज लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे एकदम। सर दो, सर दो रीजन देता हूँ आपको सर, आपको हमारी मदद क्यों करनी चाहिए। सर पहला रीजन तो ये है कि सर चौकी में केस आया है, तो केस को सॉल्व करना तो बनता है ना सर, और आप अगर मदद करेंगे तो आप केस को सॉल्व करेंगे। और दूसरा और इंपॉर्टेंट रीजन ये है सर कि अगर आपने इस केस को सॉल्व कर दिया, मतलब खुद इन्वॉल्व होके आपने इस केस को सॉल्व कर दिया सर, तो मैडम आपसे कितनी इंप्रेस हो जाएगी सर। सच मुझ? तो ठीक है फिर, मिस चौटाला को इंप्रेस करने के लिए हमारा मतलब है केस को सॉल्व करने के लिए, समझे? केस को सॉल्व करने के लिए हम उस लड़की को अभी पकड़ के आएंगे, अभी राइट नाउ। लड़की कहाँ है? लड़की मैडम मैं जब घर से निकला था सुबह तो रीटा बालकनी में खड़ी थी मैडम, और रिंकी थी वो तो अपने कॉलेज के लिए निकल गई थी, और टीना और मीना थे वो दोनों रसगुल्ले लेने निकले। थारी मोहल्ले की लड़कियां नहीं, वो जो परफ्यूम वाली लड़की है, परफ्यूम छिड़कू, कहाँ है वो? Well, उन्होंने कहा वो करेंगे ये काम इज्जा, बजरंग पांडे है उनका नाम इज्जा। सर बिना हेल्प मांगे केस में घनी मदद कर रहे हैं, क्या बात है, चलो गुड है। कहा अबे यार तू लेडीज परफ्यूम लगाना शुरू कर दिया है ना तेने, थारी ऐसी बेटा हरकतें हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग लेडीज। इसका मतलब वो आ रही है मैडम, वो आ रही है। आगे चलो, दूर चलो, अबे बस करो बे, बस करो। मिशोडाला आपने हमें केस में इन्वॉल्व तो किया नहीं, लेकिन हम इस खतरनाक केस में खुद ही इन्वॉल्व हो गए, लेकर आए लड़की को हम। वेरी गुड सर। एक्सक्यूज मी, हम जरा वहीं बैठते ओके जाकर। आ
नाम बोल नाम बोल। पिंकी अस्थाना परफ्यूम लगा के। अबे ए! क्यों इतना परफ्यूम है, क्यों इतना परफ्यूम लगा रही है? डैडी के घर में खुदाई में क्या परफ्यूम का कुआं निकला है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? परफ्यूम लगाना कोई जुर्म तो नहीं है परफ्यूम लगा के? ना जुर्म कोई ना है, जितना परफ्यूम लगा ले रही है ना उतने में पूरा गांव का गांव जिला महक लेगा। एक मिनट मैडम, बात यह है कि मुझे बचपन से ही परफ्यूम लगाने का बड़ा ही शौक था, इसलिए मैं परफ्यूम लगाती हूँ। और परफ्यूम लगाए बिना मैं एक मिनट भी नहीं रह सकती हूँ परफ्यूम लगा के। अरे पेरिस हिल्टन, तू लगा परफ्यूम पर इतना क्यों लगा रही है कि आदमी खड़ा ना हो पाए बिल्कुल ही? मेरी मर्जी, मेरे कपड़े, मेरे पैसे, मेरा परफ्यूम, मैं जितना चाहूं लगाऊं परफ्यूम लगा के। देख ऐसा है, मैं तने वो हिदायत एडवाइस सलाह दे रही हूं कि किसी भी चीज की अति अधिकता जो है खतरनाक हो सके, डेंजरस। कहीं ऐसा ना हो परफ्यूम से नहाने के चक्कर में तू किस दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाए। ए स्टॉप, नो वे। हाय हाय पिंकी अस्थाना, और इस परफ्यूम की वजह से मुसीबत में आ जाए, कभी नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ परफ्यूम लगा के। नो प्रॉब्लम, बोला ना पिंकी अस्थाना को कभी प्रॉब्लम नहीं होती। अबे 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 निकल गया ये तो। नहीं, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही औंगड़ अंगड़ाई उल्टी कढ़ाई एडिया आ रहा है। तो कढ़ाई में तैने पूर के जो है वहां मैं तल दूंगी तैने, फिर देगा एडिया। तो पहले कढ़ाई के पीछे तो आइए, मतलब सुनिए। मैं चौटाला, जरा हमें बताइए ना कि वो आइडिया क्या है। यो! सर आपके हेल्प के बिना तो यो आइडिया सक्सेस होगा भी नहीं। देखे तो हैं तुम्हें, तभी तो आके राइट टाइम पे हॉर्न बजाया हमने। कौन हो तुम? हम हैं यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर। हमारा मतलब हम हैं यहाँ के चीफ किडनैपर। और खूबसूरत लड़कियों को किडनैप करना हमारा पेशा है। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। बचाओ, 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 बचाओ। क्या हो गया बहन, तुमको कोई तंग कर रहा है क्या? भैया मुझे इस किडनैपर से बचा लो। ए, मेरे अंदर का ज्वालामुखी फट गया ना तो ऐसा तेरे। क्या हो गया? अरे भैया बेहोश क्यों हो गए? मुझे इस किडनैपर से बचाओ, बचाओ। चुप, अभी कोई नहीं बचाएगा तुमको हमसे, अब यू आर माइन। प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी। ओए मुंडिया छड़ दे कुड़ी नू, शायद तू भुल गया पंजाबी दे विच किन्ना चंगा लिखा है। अज आखां वारशाह नू किते कबरां विचों बोल, अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका फोल। इक रोई सी ती पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां तियां रोंदियां तेनू वारशाह नू कहन। अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता, नोबडी नोबडी। चलो चुपचाप चलो, चलो बचाओ। रुक जाओ, रुक गए? कौन हो तुम? हैं लड़की
लड़की को। लड़की छेड़ता किडनैप करेगा और मारी और मारी और मारी है और क्या कर रहे और मारी हमें और मारी कम ऑन और जोर से। थैंक यू मैडम, अगर आप सही समय पे नहीं आती तो पिंकी किडनैप हो जाती परफ्यूम लगा के। अबे काहे का परफ्यूम लगा के? मैंने कही थी ना थारे से एक दिन ये जो अत्यधिक सेंट लगाने की आदत है ना थारी, तेने मुसीबत में घेर देगी। आज मैं ना आती ना तो लग जाता सेंट। सॉरी मैडम, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन एक बात तो आज मैंने सीख ली कि जितनी चीज की जरूरत हो ना उतनी ही इस्तेमाल करनी चाहिए। परफ्यूम लग कम लगाऊंगी। चल ठीक है, कट ले। जी मैडम। ओह क्या बात है मैडम, सेंटी हो गई। सर आप बिल्कुल पिटे नहीं, बिल्कुल जो है आप फाइटिंग नहीं करी, मार नहीं खाई, बहुत बुरी एक्टिंग करी आपने। पकड़े आते हो तो लड़की डम थी इसलिए बच गए। लेकिन जितना मार रही थी ना हमें, हमें बड़ा मजा आ रहा था सच में। मैं छोड़ाला, हम आपके लिए कुछ वैसे लेकर आए। देखिए वाटर है। ओह गिफ्ट। हाँ परफ्यूम है, लगाइए, लगा कर देखिए कितना अच्छा है। लकी है मैडम आप। ओह परफ्यूम, परफ्यूम है बे। ये पहन लीजिए, ये पहन लीजिए। मैडम कचरा। अरे हाँ, अंदर का चाहिए बाहर का? मैडम आप समझी नहीं, कचरा ऐसा है, इसने करी आज सफाई खूब, झाड़ू वाड़ू लगाया गोपी ने। तू भी बाहर उसका निकाल ले कचरा, चल। मैडम मुझे FIR लिखवानी है। क्या तुमको कचरा नहीं दिया इस बात की तुम्हें FIR लिखवानी है? अरे यार मैं कचरा हूँ, मेरा नाम है कचरा कुमार, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है? अबे तू यहाँ अपना हेयर स्टाइल दिखाने आया हमें है? और साथ में यो कौन है प्रकटी हरियाली? ओए होए होए होए। और यो मारडंडे चिमगादड़। मैडम मैं प्रकटी नहीं हूँ मोहब्बत के मोबाइल से, मैं हूँ हनी, थोड़ी सी फनी। हनी भी हो और साथ में फनी भी हो, और वो भी मोहब्बत के मोबाइल से, क्या बात है क्या बात है। वैसे कौन है वो खुशकिस्मत जिसकी मोहब्बत की कढ़ाई में तुम्हारे प्यार का पुलाव पक रहा है, जो अपने दिल के पतीले को मोहब्बत के ढक्कन से ढक रहा है। इज्जत से यो जो भोपाली मुर्गा है इसका इंट्रो पूछ तू। जी भाई साहब, क्या आप अंकल जी, क्या आप कृपा करके हमें बता सकते हैं कि आपका परिचय क्या है? Well, what is the name is the, सहवाग ने जीता है गेम is the। पूछ लिया ना इसने, क्यों अपनी राइमिंग पेलने के चक्कर में घुस रहा है बीच में। कैरी ऑन। अरे बोलो यार अंकल। अरे मैडम जी, मैं जो हूँ बाप हूँ तम तमा के। किसके बाप हो? अरे यार हम अपनी बिटिया के बाप हैं, और किसके बाप हैं? अरे हमें क्या पता और किसके बाप हो हम। सॉरी मैडम जी, हमारा नाम है अट्टू अवस्थी तमतमा के। क्यों इतना तमतमाए ले रहे हो यार? मैडम तमतमाऊ ना तो क्या यहाँ पे कटहल छीलू? अरे ये हमारी बेटी है हनी, ये जो खड़ा हुआ ये लड़का जिसको आप देख रही हैं, देखिए देखिए कैसा अजीबो गरीब सबकल बनाए हुए हैं, ये केक मुंह में लपेटे हुए खूंटा गाल के यहाँ खड़ा है। अरे मैडम ये बड़ा कमबख्त लड़का है तमतमा के। क्यों तो, डैडी ये आप क्या कह रहे हैं मोहब्बत के मोबाइल से? मैडम हम दोनों है ना एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें एक दूसरे से प्यार हो रहा है और यो बाप जो है वो बिलन बन रहा है, वो शादी ना करवानी मांग रहा है, राइट? नहीं नहीं मैडम, डैडी तो मान रहे हैं, और डैडी ने ही कचरा को तुड़ियागंज चौराहे पे बुलाया भी था, बट वेल व्हाट इज द बट इज द, मैं हूँ पंजाब द जट इज द। हाँ
दादाजी मैं बताता हूँ मैडम, मैं बताता हूँ, मैं इन्होंने मुझे बुलवाया था शादी की बात करने के लिए, तो मैं अपने घर से मस्त सेंट वेंट डाल के नए कपड़े पहन के तैयार होके अच्छे से एकदम डिसेंट मैं घर से निकला और तुड़ियागंज चौराहे की तरफ जा रहा था। वहाँ रास्ते में एक जंगल पड़ता है, मेरा हेयर स्टाइल कैसा है? अच्छा, आज मंगल है और वहाँ रास्ते में एक जंगल है, और मैं उस जंगल से जब गुजर रहा था वही जंगल में मारा है किसी ने, ये खींच के केक इतना बड़ा मुंह पे ऐसे मारा सीधे भचाक से, मेरी आंखें चौंधिया गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया, मैं सुन्न हो गया, कुछ पता नहीं चला मैडम। और सुन सन्नाटे में मैं इनके सामने पहुंच गया, तो ये कह रहे हैं कि ये खाया केक, ऐसे कोई खाता है केक? मैं इतना समझा रहा हूँ तो भी मेरा हेयर स्टाइल कैसा है? अच्छा, अरे मैडम ये कोई लड़का है, है? अरे जिसकी गंदी है कमीज, जिसको बिल्कुल नहीं है तमीज। देखिए, अरे केक जो है मुंह में ऐसे खाया जाता है, मुंह में नहीं लगाया जाता है। और एक हमारी ये बिटिया उसके प्यार में पड़ी हुई है। ठीक, मैं खाता हूँ केक। अरे तुम पागल हो गया अंकल जी, हैं? कह तो रहा है लौंडा कि इसने ना खाया है ना लगाया है, किसी ने भटक देने की मारा है इसके मुंह पे केक। हाँ, लेकिन मेरे डैडी यकीन ही नहीं कर रहे कचरा पे, मोहब्बत के मोबाइल से। तुम मत बोला करो कचरा कचरा। यार ये क्या है मैडम, आप एक काम कीजिए, बस आप उसे पकड़िए, जिसने भी ये केक ऐसे खींच के मेरे मुंह पे मारा है ना मैडम, उसका पता लगाइए आप, बिना वजह बिना कारण। मैं तो जा रहा था, मैंने क्या किया था जबरदस्ती, मेरे को मेरी शादी टूटने की कगार पे आ गई, ये अंकल ने रिजेक्ट करने वाले थे मुझे, मैंने बोला एक और मौका दे दो, ऐसी सब बात हुई, मैं मना के यहाँ तक लाया हूँ। मैडम आप पकड़िए उसे पकड़िए आप बस। ए गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। जरा जा चुड़ियागंज शाम को, जरा पता लगा कौन यार केक वेक मार रहा है, देखो जरा है, और सर जी को साथ लेके जा, और सिविल ड्रेस में जाइयो कहीं, वहाँ यूनिफॉर्म में बिल्कुल बंदूक बंदूक लेके सायरन बजाता हुआ चला जाए। ओके कर रहे हैं हम कार्रवाई, आप लोग निकलिए। क्या बात कर रहे हो गोपी? या सर, नहीं रहा हूँ मैं फेक इज्जा, कोई है जो लोगों के मुंह पे मार रहा है केक इज्जा। अबे कोई किसके चेहरे पर केक क्यों मारेगा बे, हैं? हमें नहीं लगता क्योंकि मारेगा यार, वो लड़का कहीं जा रहा होगा, किसी ने कैसे केक फेंका होगा, उसके मुंह पे भूल से लग गया होगा, केक क्यों मारेगा कोई किसी पर। वेल फॉलो कर रहा हूँ मैं मॉम का ऑर्डर इज्जा, ऑर्डर इज ऑर्डर इज्जा, बॉर्डर इज बॉर्डर इज्जा। हाँ फॉलो करो ऑर्डर, रात भर चलो जंगल में, हमें नहीं लगता है कोई केक वेक मारेगा। अरे केक खाने की चीज है, टेस्टी होती है, मारेगा क्यों है? लेट सी। अबे 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 कौन है बे, अबे कौन है बे? गोपी, गोपी तुम ठीक हो? ठीक नहीं हो। ओके ओके, हम समझ गए, कोई है। मैं चौटाला जो कह रही थी, कोई तो है जो लोगों के चेहरे पर केक मारता है, लेकिन ये वाला केक वेनिला स्ट्रॉबेरी मिक्स केक, बट आइसक्रीम टॉपिंग्स, ये किसने मारा बे? ये तो हमारा फेवरेट है, किसने हिम्मत की है? हमें वैसे भूख लग रही है गोपी, जंगल में कब से चल रही भूख तो लग रही है, तो अब जरा हिलना मत। और अबे अबे किसने मारा बे? अबे नो नो, डोंट क्राई डोंट क्राई गोपी, डोंट क्राई। जब इंसान एक स्माइलिंग फेस रह रहे, वो सोचते हैं कि चलो कल की बात बीत गई, आज इज अ न्यू डे, खुशी खुशी जो है बिताएंगे, नए सवेरे को नया वेलकम। लेकिन कुछ यहाँ चौकी में ऐसे फालतू लोग हैं जो बिल्कुल रोंदर शकल, वैसी इतनी भयानक शकल है कि बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त, उसको और बिल्कुल भोंडी बना के एकदम रोते हुए किसी का वेलकम कर रहे हैं। क्यों रो रहा है तू? अरे मैडम आप बिना एक नंबर के बोली है, पहले मैडम ये तो पूछिए कि क्यों रो रहा है। तो मैंने अभी अंग्रेजी में पूछी है,
अबे क्यों रो रहा है? एक मिनट, वो तुड़ियागंज जाने को कही थी मैंने तेने हैं कि वो केक जो फेंक रहा है उसको ढूंढो, मिला वो? या मॉम, मैं भी हो गया हूँ उसका शिकार। एक हिस्सा मेरे मुंह पे भी मारा गया है, केक हिस्सा है। इसका मतलब ये जानबूझ के कोई केक मार रहा है, इसलिए रो रहा है तू? या हाँ मैडम, ये इसलिए रो रहा है, लेकिन सर ने इसके साथ जो किया है ना मैडम, ये उसकी वजह से भी रो रहा है। सर, अबे क्या किया हमने बे? हैं है क्या किया हमने? चुगली लगा रहे हमारी हैं? मॉम, मैंने समझा था इनको नेक इज्जा, इन्होंने खाया मेरे मुंह पे लगा केक इज्जा। बताइए मैडम, बताइए मैडम, ये कहाँ की शराफत है, आप ही बताइए। मैडम, एक 2.5 किलो का केक भचक करके आके इसके फेस पे लगता है, और सर उस आदमी के पीछे भागने की जगह इसको बैठा कर सांत्वना देने की जगह इसे बैठाते हैं, गोपी को बैठाते हैं, और इसके 2.5 किलो का केक जो लगा है उसमें से 1.5 किलो खा जाते हैं। यो, मैं क्या सुन रही हूँ सर आपके बारे में? सही सुन रही हूँ चौटाला। क्या है ना, केक हमारी वीकनेस है चौटाला। तो जैसे हम केक देखते हैं ना, हमें भूख लगनी शुरू होती है। हम जा रहे थे जंगल, हमें भूख लग रही थी, गोपी के फेस पे केक पड़ा और तो हमें भूख लगी, तो हम खा लिए। लेकिन हमने सिर्फ 1.5 किलो का केक खाया, 1 किलो बचा हुआ था, सच कह रहे हैं। तो वो किसने खा लिया? वो वेस्ट हो रहा था तो मैंने खा लिया। अरे इसे क्यों छोड़ दिया, गोपी को भी खा लेते दोनों मिलके। मतलब आई कांट बिलीव कि दो पुलिस के बंदे जो है, एक तो चीफ इंस्पेक्टर है यहाँ, दोनों ने मिलके एक आदमी पे मुंह पे लगा हुआ केक चाट लिया। बताओ मैं चौड़ा ना, हमने कहा ना हमें भूख लगी थी, केक हमारी वीकनेस, हम खा गए, केक काफी टेस्टी था वैसे। हाँ सर, वो तो मैंने। सर प्लीज प्लीज बिहेव। मैडम मैडम, ये देखिए आप, ये मेरे मुंह पे फिर से एक बार उसने केक खींच के मारा है। मेरा हेयर स्टाइल कैसा है इस बार? फ्लेवर कुछ अलग लग रहा है मैडम। सॉरी मैडम, मैं हूँ हनी, थोड़ी सी फनी। कचरा है ना, आज फिर मुझसे शादी की बात करने मेरे डैडी के पास आ रहा था मोहब्बत के मोबाइल से, और देखिए क्या हो गया। मैडम मैं बता रहा हूँ, ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ में। एक तो इतना बड़ा केक मुंह पे से बचाक से खींच के मारा जाता है, आंखें चौंधे आ जाती है मेरी, ऊपर से मेरे ससुर ये मुझे अलग गलत समझ रहे हैं, कह रहे कि तुम जंगली आदमी हो, ऐसे केक खाता है कोई? मैं क्या पागल हूँ ऐसे केक खाऊंगा मैं? मेरा हेयर स्टाइल कैसा है? हाँ मैडम, और मेरे डैडी भी नहीं मान रहे, वो कह रहे कचरा है ना कचरा, एकदम झूठ बोल रहा है ये ना, जबरदस्ती अपने मुँह पे केक मल के आता है क्योंकि इसे केक खाना नहीं आता मोहब्बत के मोबाइल से। अरे मैडम, ये कोई लड़का है? इसको कोई ढंग नहीं मालूम है, ये बेसहूर किस्म का जो है गधा लड़का है, है? इसको देख हमारा दिमाग ठनका है तमतमा के। ओ, लेडी गागा से जो है इंस्पायर्ड फैशन के हेयर स्टाइल एक्सपर्ट ऐसा है अंकल जी, वो लौंडा सही कह रहा है, एक है जो धाड़ देने की केक मारता लोगों के मुंह पे, गोपी के भी पड़ा है कल, वो दिख नहीं रहा है आज कुछ लोगों की वजह से, पर इसके ही मुंह पे केक पड़ी है। चिट्ठी? What is the matter is the केक के साथ लेटर इज द सिविल ड्रेस में भेजोगे तब भी नहीं बच पाओगे। पुलिस वालों हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ, इसने ओपन चैलेंज भेजा है पुलिस को, ये तो इसकी खैर नहीं। अबे जाके अपना मुंह धो इससे पहले कि कुत्ते जो है चाट लें बाहर निकले तो, और एरिया में जितने केक वाले हैं सबको बुलवाए लाइन लगा के। ओके जाना। जाता हूँ, किधर जाऊँ? डब्बा है, डब्बा क्या है डब्बे में? कुछ नहीं कुछ नहीं, खाली डब्बा लेके घूम रहा है रस्ते पे, हैं? बेवकूफ बना रहा है, लोगों पे केक मारेगा, हैं? दिखा, दिखा डब्बे में क्या है? नहीं दिखाऊंगा। अबे दिख, अबे ऐसे कैसे नहीं दिखाएगा बे? पकड़ो पकड़ो, दिखा दिखा। गुड आइडिया सर, गुड आइडिया। अबे डब्बे में तो जूते। एक मिनट सर, समझ गया,
लगता है अब से ये लोगों के चेहरे पे केक की जगह जूते मारने वाला है। क्यों ये क्या बकवास कर रहे हो? ये जूते मेरे लिए मैंने खरीद कर लेके आया और ये रहा उसका बिल। वो बिल भी है? आठ नंबर तुमको फिट आता है? हाँ बिल तो है, जूते ऐसी के है। और अबे नाइन नंबर है तो। अरे हाँ सर वो तो। हाँ देख काम करो, तुम बिल लेके आओ, चलो जाओ, लेकिन ये जूते हमारे पास छोड़ दो। हमको इंक्वायरी करनी इसके बारे में, तो रखना पड़ेगा। मेरे जूते नाइन नंबर हमारे साइज के। सर जूता चोरी तो शादियों में होती है सर। चोरी नहीं है बे, दिस इज टेकिंग गिफ्ट। ऑफ कोर्स हमारे पास 80 जूते, 80 जोड़ी जूते। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ। ए गोपी, ए तू कहाँ जा रहे? वेल मॉम ने दिया है ऑर्डर इज द, पकड़ के लाओ सारे इलाके के केक शॉप के ओनर इज द। ओ केक शॉप ओनर, ये सही है यार, मैं भी चलता हूँ, मतलब थोड़ी फ्री की केक ही खा लेंगे। बिल्कुल एक मिनट यार, अगर जा ही रहे हो तो हमारे लिए जरा फ्रेश केक लेकर आना, क्या ना हम लोगों के चेहरे पर लगा हुआ केक खा खा के जरा थक गए। रोमन बे कान पे केक लगा के खा जाए क्या थोड़ा? काफ भी सर। मॉम बस इधर। मॉम 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 शी वाज केक वालाज इज द। मैडम इस एरिया में सिर्फ दो केक की दुकानें और वो दोनों इनकी हैं। नाम जी जी मैं हूँ सैया, सैया श्रीवास्तव। बीवी टेंशन में? क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारी बीवी टेंशन में? ओ कहीं तुमने घर का केक छोड़ के कहीं पड़ोस का कलाकंद या अड़ोस का माखन भोग तो नहीं खा लिया? सॉरी। वेल व्हाट इज द नेम इज द, कानपुर में ट्रैफिक जैम इज द। जी मैं झल्लू सक्सेना, केक एग्लेस है। अच्छा मैडम देखिए, आप हमें बताइए कि आपको बर्थडे का केक बनवाना है या मैरिज एनिवर्सरी का? बीवी टेंशन में है। एक छोटी सी सेलिब्रेशन हमें यहाँ करवानी है, तुम दोनों के जेल जाने की खुशी में, तो जौन सा फ्लेवर पसंद हो वो केक बना लो। अरे मैडम आप क्या बात कर रही है, हम भला जेल क्यों जाएंगे? बीवी टेंशन में। देखो यार ऐसा है कि कोई तो है जो लोगों के फेस पे धपाक करके केक मार रहा है। अब जो मैडम पूछ रही है उसका फटाफट तुम लोग साफ साफ जवाब दे दो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग की हरियाली गुस्से की खाद के साथ मिल गई ना तो हमारी मैडम एक नंबर की टेम्पो तूफान से। मेरा मतलब है कातिल शैतान से, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? देखिए मैडम अगर कोई ऐसा आदमी है जो रोज केक फेंक रहा है तो वो केक जरूर इस झल्लू की बेकरी का होगा। ये बात तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो बे? अरे क्या बताएं इंस्पेक्टर साहब, इसकी बेकरी का केक होता ही इतना बेस्वादा और बेकार है कि जो भी खाए वो फेंक दे, बीवी टेंशन में है। अच्छा 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 है। तुम्हारी बेकरी का केक कौन सा बहुत अच्छा होता है? अरे मैडम इसकी बेकरी के चूहे तक इसका केक नहीं खाते, इसकी दुकान के चूहे मेरी दुकान का केक खाते। केक अगले से देखा मैडम, सब सच्चाई सामने आ रही है। अरे सब पता है हमें, चूहे खाते हैं तुम्हारा केक और चूहों का झूठा केक तुम बेचते हो, बीवी टेंशन में। अब एक मिनट यार, ये मामला पर्सनल हो रहा है, समझे तुम? हमारी बात सुनो है? अगर ये केक उसकी दुकान का था जो कि गोपी के चेहरे पर पड़ा, जो कि हमने खाया, जो कि हमसे पहले चूहों ने खाया था, है? इसका मतलब हम चूहों का झूठा केक खाएंगे? हम तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं, कह रहे हम दोनों को। लेकिन हम क्यों, ये इनकी इनका दोनों को। अरे एक मिनट सर, सर प्लीज आप अपनी एफआईआर जरा बाद में लिखवा लीजिएगा, मैं जरा केस सॉल्व कर लूं। अपने दिमाग पे जोर डालो और बोलो कोई एक ऐसा आदमी है पर्टिकुलर जो रोज तुम्हारी दुकान से केक खरीदता हो? हाँ मैडम, एक आदमी है जो रोज हमारी दुकान से केक खरीदता है, बीवी टेंशन में।
तो बीवी की टेंशन दूर करके जरा पूछा नहीं तुमने कभी कि भैया हमारे दुकान से तुम केक क्यों खरीदते हो? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम भला क्यों पूछेंगे? हम तो चाहेंगे कि सुबह शाम आके वो आदमी हमारे यहाँ से बेकरी से केक खरीदे, क्योंकि हमारा तो काम ही केक बेचना है ना, बीवी टेंशन में है। नाम क्या है उसका? ना, 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 नाम तो पता नहीं, नाम तो हम पूछ नहीं पाए, बीवी टेंशन में है। इसमें तुम्हारी नहीं है कोई खता इज्दा? क्या तुम्हारे पास है उसका कोई पता इज्दा? दादाजी ऐसा है कि हम उनका बिल निकाल के उनका पता बता सकते हैं। एक मिनट मैडम, बिल की क्या जरूरत है? मतलब वो आदमी रोज आता है तो कल हम वहां जाते हैं और जब वो आएगा उसे पकड़ लेंगे। नहीं, इस केस को हम जरा अपनी तरीके से सॉल्व करेंगे। उसका पता ले लो, देखें जरा कौन है वो आदमी जो पुलिस ने चैलेंज फेंक रहा है। आइए आइए। मैडम मैं डायलॉग बोलूंगी। लो भैया, ये डायलॉग बोलेगी क्यों? तू कैटरीना कैफ हो रही कि सोनाक्षी सीना हो रही तू? रेपटे से डर कोई ना लगता बाबूजी, मन ने तो प्यार से लगे डर। हाँ वैसे भी भाभी जी, डायलॉग वायलॉग में क्या मजा आएगा? आप एक काम कीजिए, आप कुछ डांस वांस दिखाइए। सॉरी। वेल अब बोल भी तो, डायलॉग इज द एफ ओ जी फॉग, डी ओ जी डॉग इज द। आप लोग समझे नहीं? अरे ये तो हमार तकिया कलाम है। सुनिए, आप सबको हमारा सलाम है। मैं डायलॉग बोलूंगी। तू यहाँ डायलॉग सुनाने आई है? अरे नहीं मैडम, हम एफआईआर लिखवाने आई हूँ। ओ क्या हो गया आपको, देखकर किसी ने सीटी मार दी या आंख मार दी? अरे सीटी तो हमको देख करके पूरा मोहल्ला मारता है। और आंख? गुलगुले चल गोटिया खेले। कैरी ऑन। तू क्यों है? नमस्ते मैडम। मैडम मैं हूँ किरण कनौजिया, बिहार से, जो तंग आ गई है अपने पति के व्यवहार से। मैं डायलॉग बोलूंगी। क्यों, पति परेशान कर रहा है? दारू वारू पी रहा है? रात को लेट आवे घर? दहेज वहेज मांग रहा है? हाँ मतलब जो भी है, मामला नींबू है या आंवला, जरा खुल के मैडम के सामने बोल डालो, बंद जूड़े को खोल डालो और बिखर जाने दो जुल्फों का जलजला, अब चाहे उबला हो या तला। क्योंकि क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का चना उबल गया ना, उसके बाद हमारी मैडम जो है वो एक नंबर की मगरमच्छ की सौतेली बहन, मेरा मतलब है डायनासोर की सगी सहेली, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैडम हमारे पति जो है ना, रोज अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। सुबह उठ करके कहते हैं किरण बोलोगी नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक काटते हैं मैडम रोज। क्या थारा पति रोज केक काटता है, रोज जन्मदिन मनावे? यस मैडम, रोज केक काटते हैं, रोज हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, नाक में दम आ गया है हमारी। एक मिनट, अगर थारा पति रोज केक काटे है अपना जन्मदिन मनावे, तो वो रोज कहीं से केक खरीदता भी होगा? जेस मैडम खरीदते हैं, हमारे कोई केक की खेती तो नहीं ना है। अरे बालको। हाँ जी जी मम्मी जी। वो कहाँ है यार, वो जो एड्रेस था वो उसका, केक वाले का जो केक खरीदता था रोज उसकी श्रीवास्तव की दुकान से, उसका क्या हुआ? Well, उस काम के लिए गए हैं सर इज्दा, अभी है मेरी बाली उमर इज्दा। चलो ठीक है सर, उसको लेके आएंगे, इसके पति को लाओ तुम लोग मीन बाइल। Follow him. Mom, she is the husband is the. तू है बर्थडे बॉय? जी मोमबत्ती बुझा दूंगा। नाम बोल अपना। जी मैं हूँ किरण का पति कमलेश, कमलेश कनौजिया, मोमबत्ती बुझा दूंगा। बहुत जो है थारे से परेशान हो रही थारी बीवी, समझ रहा है तू?
के लगा रखा था मैंने खूब जो है बर्थडे मना रहा है तू अपना घर में रोज रोज एक आदमी अपना बर्थडे तू बावड़ा है पागल हो रहा तू रोज केक काट रहा बर्थडे मना रहा गुब्बारे ठूस रहा अपने जो है कानों में क्या बताऊ मैडम बचपन में मैं एक बार बहुत छोटा था तब से लेके आज तक मेरे माँ बाप ने मेरी कभी भी कहीं पे भी बर्थडे नहीं मनाई तब से मैंने सोचा था कि जब मैं बड़ा होऊंगा खूब कमाऊंगा तब मैं डेली रोज अपनी बर्थडे मनाऊंगा और आज मैं वो कर रहा हूँ मोमबत्ती बुझा दूंगा ए, अरे यार ये क्या बात हुई मतलब ये थोड़ी कोई बात हुई रोज रोज बर्थडे कोई मनाता है क्या तो ऐसा भी कभी होता है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का कभी भी कहीं पे भी बर्थडे ही ना मनाए मोमबत्ती बुझा दूंगा हाँ नहीं नहीं आई सिंपथाइज विद यू आई अंडरस्टैंड भाई देख नाना गुड गुड लेकिन मन्ने एक बात बताओ तुम है कि रोज जो तू अपना बर्थडे मनावे केक काटता केक काटने के बाद दोनों मियाँ बीवी केक खा लेते हो पूरा अरे नहीं मैडम बताइए रोज केक कहाँ से खाएंगे अरे मुंह से खाएंगे और कहाँ से खाएंगे आया मजा हाँ मैडम मैं हूँ किरण कनौजिया बिहार से जो तंग आ गई है अपने पति के व्यवहार से मैडम मैं डायलॉग बोलूंगी सुनिए मैडम मैडम मैं तो आप केक का नाम सुन करके ना इतना चिढ़ गई हूँ कि अगर कोई मेरे सपने में आकर कहे ना मैडम कि किरण जी मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू है केक खाइए तो मुंह नोच लूँ उसका हाँ वेल तो यू केक को ईट इज द मेरी पड़ोसन का भाई मुझको गया पीट इज द अरे मुझे तो डायबिटीज है ना मोमबत्ती बुझा दूंगा अरे यार फिर एक काम करो यार तुम अपने घर का एड्रेस मुझे दे दो क्योंकि मुझे ना केक के नाम से चिढ़ है और ना ही मुझे डायबिटीज है मैं तुम्हारे घर पे आके केक खा लूंगा ओके नो प्रॉब्लम ये लीजिए ये है मेरा एड्रेस यार एक मिनट ये बेकार की बात है तू हमारी बात सुन तू एक बात बता केक अगर तू खाता ना है हैं तो काट के उसे भिखारी मार दे बे तू अरे नहीं नहीं मैडम मेरे इलाके के भिखारी तो अब खा खा के बोर हो गए हैं वो लोग है ना बहुत परेशान हो गए वो लोग केक लेते ही नहीं मुझसे हाँ मोमबत्ती बुझा दूंगा अरे तो होता क्या केक का कर जाने के बाद एक बार सुन लिया मैडम भिखारी भी मुंह नहीं लगाते हैं तो क्या करें हम इनसे कहते जाइए फेंक आइए मैडम मैं किरण कनौजिया बिहार से तंग आ गई हूँ अपने पति के व्यवहार से ऐसा है आगे से तने अगर रोज अपना बर्थडे मनाया ना तो यहाँ चौकी मना दूंगी थारा बर्थडे में समझ रहा है इंसान की तरह रहे साल में एक बार मना बर्थडे 5 किलो का केक खा चाहे तू एक दिन में समझा रोज बर्थडे मनाने की केक काटने की कोई जरूरत ना है निकल अब यहाँ से ठीक है मैडम मोमबत्ती बुझा के चलो उखाड़ ले इसके गुब्बारे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी यार मन्ने तो दिखे यो ही है जो केक फेंक रहा है लोगों पे साइको टाइप आदमी कौन अपना बर्थडे रोज मनावे पागल ना हो तो यही फेंक रहा है बर्थडे मना रहा है रोज केक फेंक रहा है साइको है ये पागल है यो हो सकता है मैडम मिस्टर चौटाला हम वो इंसान का एड्रेस लेकर आ गए जो रोज सैया श्रीवास्तव की दुकान से केक खरीदता है अरे वेरी गुड सर एक एड्रेस हमारे पास भी है जरा मैच करिए देखिए दोनों आदमी सेम है क्या चल बुढ़ाओ काम कर जरा अबे ये तो सेम एड्रेस है इसका मतलब है वो एक ही आदमी है वेरी गुड एक काम करिए सर आप गुलगुले और गोपी तीनों जाइए जरा आज रात इस आदमी पर नजर रखो और देखो अगर तो यो केक मारता है और अगर मारता है तो रंगे हाथों पकड़ के लाओ चलिए सर आज भी लगता है हम केक खाएंगे तुम्हारे मुंह से राइट ऑलरेडी हैप्पी बर्थडे टू मी हैप्पी बर्थडे टू मी हैप्पी बर्थडे टू मी मी हैप्पी बर्थडे टू मी मोमबत्ती बुझा के थैंक्स
थैंक्स टू माई मम्मी एंड माई डैडी। सर ये केक तो हमारी तरफ फेंकने वाला है सर। अरे गोपी अबे अबे हम फंस गए। अरे नहीं सर मैं अरे गोपी तुम एक मिनट सर। थैंक्स मम्मी एंड डैडी, थैंक यू वेरी मच। मोमबत्ती बुझा के अबे इसने तो केक फेंक दिया। हाँ सर इसका मतलब ये केक नहीं मारता है। नहीं ये वो नहीं है। मारा है मैडम मारा है। एक बार फिर भचाक से खींच के मेरे मुंह पे केक मारा है मैडम और मैं सीधा यहीं आ गया। मैंने सुबह होने का इंतजार भी नहीं किया, ये सूख जाता है इसलिए मैं डायरेक्ट आ गया। मैडम मेरा हेयर स्टाइल कैसा है? मैडम मैं हूँ हनी, थोड़ी सी फनी। अब हालात ये है कि मेरे डैडी ने साफ बोल दिया है कि वो कचरा से शादी मेरी नहीं होने देंगे, मोहब्बत के मोबाइल से। हाँ कहा है तो? मैडम जी ये बात बिल्कुल पक्की है कि ये लड़का जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि ये हमारी लड़की से शादी करना चाहता ही नहीं है। हे तमतमा के चुप। अरे आप बावड़े हो क्या थोड़े से अंकल जी हैं? अगर ये शादी ना करना मांगता तुम्हारी बेटी से तो क्यों रोज जो है तैयार होके बाल बाल मूंड के आता है एकदम इसका हाथ मांगने तुम्हारे यहाँ? अरे मैडम जी आपको पता नहीं, अरे ये केक का बहाना करके हमारी बिटिया से पीछा छुड़ाना चाहता है। अब वैसे भी पांच लड़के जो हैं पहले ही इसे जो है पीछा छुड़ा के जा चुके हैं। डैडी सॉरी गलती हो गई ना जी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई बात? मेरा हेयर स्टाइल कैसा है? अच्छा यार एक मिनट, ये अपनी घरेलू बातें बाद में कर लेना, अभी वो आते होंगे केक मारू ने पकड़ के गोपी गुलगुले। सर या? सर मिल गया वो बंदा जो केक मार रहा है। फिर से कौन सा फ्लेवर कौन सा है? सर प्लीज कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे आप? हाँ हाँ मैं चौटाला, हम गलत गाड़ी में सवार हो गए थे। वो कमलेश है ना वो आदमी नहीं जो चेहरे पर केक मारता है, रॉन्ग नंबर लग गया। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ मैडम, मतलब मैडम ये सही है कि वो रोज केक खरीदता है और ये भी सही है कि वो रोज केक काटता है, लेकिन मैडम उसके बाद वो केक ले जाकर कचरे के डिब्बे में डाल देता है। या मॉम शी इज एक्सीडेंट इनोसेंट यार। या दिस वन। अरे ये यार कौन सी कंफ्यूजन हो गई, बुलवाओ जरा फिर से वो केक की दुकान के मालिकों ने। ये वेल मॉम शी इज केक वाला जीजा। मन ने बेरा एक बार पहले भी आ चुके हैं यहाँ, थारी ऐसी ना है हमारी 3 सेकंड की गजनी मेमोरी, लपी लूथरा के अलावा और कुछ याद ही ना रहे वे। कैरी ऑन। मैडम अगर वो आदमी वो केक फेंकू नहीं है मैडम तो फिर आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? बीवी टेंशन में है। मैडम आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो हम दोनों में से कोई एक है? आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो हम दोनों में से कोई एक है? केक अगले से। क्या यार आप बार बार कहते हैं कि केक अगले से केक अगले से। अरे यार कभी हमें भी केक खिलाओ तो पता चले है? और खाना? नहीं नहीं मैडम बस एकदम गले तक पेट भर गया। इसलिए कहते हैं थोड़ा ओवर ईटिंग कम किया करो। देखो ऐसा है ये जो भी आदमी है ये बहुत सातिर आदमी है, एक तो केक कहीं और से खरीद रहा है ताकि पकड़ा ना जाए, दूसरा इतनी खुजली हो रही है कि पुलिस को चैलेंज फेंक रहा है ओपन। तुम दोनों जरा बताओ है कोई तुम्हारी नजर में जिसने किया हो यो काम? मैडम एक आदमी है
और ये जरूर छज्जू हलवाई का काम होगा, बीवी टेंशन में। हाँ हलवाई, अबे ये केक मारने वाले के केस में हलवाई वाला कहाँ से आ गया? जरा अक्कल चलाओ तुम भी यार। अजी हाँ, क्योंकि वो हम दोनों से चिढ़ता है बीवी टेंशन में। Well, वो चिढ़ता है भाई इसदा, वो तो है हलवाई इसदा। हाँ हाँ दादाजी, दरअसल वो है हलवाई, लेकिन जब से हम दोनों की केक की दुकान खुली है ना, तब से उसकी मिठाई की दुकान का काम कम हो गया, बीवी टेंशन में इसलिए। हाँ मैडम, क्योंकि अब लोग मिठाई से ज्यादा केक और पेस्ट्री खाते। केक अगले से है। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन। अबे के मैडम, ये कोई फायदा ना है। वो भाग गया होगा, बहुत चालाक आदमी है। शाला इधर। तुम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मुझे पकड़ नहीं पाओगे। और अब देखना, कमिश्नर को केक मारूंगा, वो भी भरी सभा में, ढेर सारे लोगों के बीच। बचा लेना पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत। चांद जैसा मुखड़ पर बिंदिया सितारा नहीं भू। अरे आइए आइए साहब, बताइए का खिलाए, छेना का रसगुल्ला या कलाकंद, लड्डू या पेड़े, मिठाई भंभाट है। सैया हमका जलेबी खिलाई दियो। क्यों नहीं क्यों नहीं। अबे सुन मिठाई वाले, हमारी लुगाई के लिए जरा अच्छी सी जलेबी लेकर आओ, गरमा गरम। हाँ हाँ, अरे अभी लाते हैं, चिंता का कोनू बात नहीं, अभी जलेबी लेके आते हैं। आए, अरे का भैया, गरम गरम कढ़ाई से छींटा उड़ा रहे हो। ई लियो बीबी जी जलेबी। ई कौनू जलेबी है का? छी, हमका केक पेस्ट्री खाना है। अरे ये क्या कह रही हो बीबी जी, मिठाई भंभाट है। अभी सही तो कह रही है, ये जलेबी है, इससे अच्छी तो कल की पेस्ट्री थी, बढ़िया थी कल की पेस्ट्री, है ना? हाँ, ये अब तो हम केक पेस्ट्री खाएंगे। ओके ओके। अरे का मुकाबला है, कलाकंद और केक का, रसमलाई और पेस्ट्री का? अरे भैया, पेस्ट्री और केक छज्जू की मिठाई का कोनो मुकाबला नहीं कर सकते, मिठाई भंभाट है। ना ना ना, रुईया रुई ना। अबे नई नई लुगाई बनी रुलाओगे क्या है? ना ना रुना नहीं, हम आपको 9 से 12 फिल्म दिखाने लेके जाएंगे, उसके बाद ढेर सारी पेस्ट्री खिलाएंगे। केक पेस्ट्री, पेस्ट्री चलो। अरे मैडम सुनिए, अरे सुनिए तो, हम आपको दूसरा मिठाई खिलाता हूँ। अरे तनिक सुनिए, मिठाई भंभाट है। अमित चौटाला, वो आज वो कॉर्नर सीट पे फिल्म देखने का मजा ही अलग है ना, आपके साथ तो बड़ा मजा है। जरा करेक्टर से निकलिए और ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए, वो केक मारू कहीं से भी हमारे मुंह पे केक मारेगा। हम कैरेक्टर से निकलने के बाद ही कह रहे कि कॉर्नर सीट में फिल्म देखने का मजा आया, हम बजरंग पांडे हैं अभी। अच्छा सर।
इन लोगन का बताता हूँ कि का चीज है छज्जू हलवाई।